हरियाणा में टिकटों को लेकर दो केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने बीजेपी हाईकमान की उलझनों को बढ़ा दिया है, जहां अमित शाह ने मंत्रियों और सांसदों के परिवारों को टिकट नहीं देने का फैसला लिया है, तो वह इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी और कृष्णपाल अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। देखिए रिपोर्ट। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने काफ़ी समय पहले ये तय कर लिया था कि जो हमारे चाहे वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके परिवार में से किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। सुना आपने, टिकटों को लेकर हाईकमान की हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सांसदों और मंत्रियों के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा, जिसकी जानकारी बैठक में मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दी। बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अमित शाह ने साफ तौर से मंत्रियों, सांसदों के परिवार और निगम अध्यक्ष, जिला परिषदों के चेयरमैन को टिकट नहीं देने का फैसला लिया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने काफ़ी समय पहले ये तय कर लिया था कि जो हमारे चाहे वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके परिवार में से किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। ये पार्टी का कोई हरियाणा का फैसला नहीं है, ये फैसला देश भर का फैसला है। बराला साहब, मैराथन बैठकें चल रही हैं, माना ये जा रहा है कि 45 से 50 नाम फाइनल हो चुके हैं, 29 तारीख को पहली लिस्ट बीजेपी की 45 से 50। देखिए 29 तारीख को तो पहली लिस्ट नहीं, 29 तारीख को तो फाइनल लिस्ट ही आप लोगों को दे देंगे। हाईकमान के फैसले के उलट बीजेपी के दो दिग्गजों ने बीजेपी नेतृत्व की उलझनों को बढ़ा दिया है। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव तो कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र को टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए हैं। दोनों केंद्रीय राज्य मंत्रियों का साफ कहना है कि अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र के परिवार से 3-3 लोग संसद और विधानसभा में जा सकते हैं, तो उनके परिवार का दूसरा सदस्य टिकट क्यों नहीं पा सकता। कुछ दिन पहले चुनाव को लेकर हुई बैठक में मुद्दे को लेकर तल्ख बहस भी हुई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 सितंबर को बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान अपने दो दिग्गजों के आगे झुकती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।